हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास। में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस 1, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, इसके सारे स्वाध्याय को के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दिवाली की छुट्टी के काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप व्यूज़ कम नहीं करेंगे, पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी, और लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को समझ लेते हैं, जैसे कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश साधारणतः 4×10⁻⁷ मीटर से 7×10⁻⁷ मीटर तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग के प्रभाव के कारण हमें अपने चारों ओर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इस विकिरण को प्रकाश या दृश्य प्रकाश कहते हैं। ये प्रकाश की परिभाषा, अगर आपसे कोई पूछता है कि चैप्टर का नाम क्या है तो ऐसे बता सकते हैं। और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन क्या होता है, आपको प्रकाश पता चल गया, परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन मतलब जब जिस क्रिया में किसी पृष्ठभाग पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण उस पृष्ठभाग से वापस मुड़ जाती है, उस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समतल तथा चिकने पृष्ठभाग से प्रकाश का नियमित परावर्तन तथा खुरदरे पृष्ठभाग से अनियमित परावर्तन होता है। जैसे कि कोई भी चीज़, जैसे ये एक दर्पण है, शीशा है, और इससे अगर प्रकाश पड़ता है तो वो आप देखते हैं परावर्तित हो जाता है। आपने धूप में कांच को अगर ऐसे घुमाया होगा तो देखते हैं कि धूप जो है छाया के साइड भी हम पहुंचा सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, दर्पण क्या होता है, पहला सवाल आ जाता है कि दर्पण क्या है। तो दर्पण का अर्थ है प्रकाश के दर्पण का अर्थ है प्रकाश का परावर्तन करके सुस्पष्ट प्रतिबिंब तैयार करने वाला पृष्ठभाग, जिसमें हम अपना मिरर देखते हैं। कई प्रकार के दर्पण होते हैं, जो घर में दर्पण यूज़ होते हैं वो समतल दर्पण होता है जो हम यूज़ करते हैं। दर्पण कई तरह के होते हैं, लेकिन आज हम जो है ये छोटी सी थोड़ा बहुत समझने के बाद हम देखेंगे कि हमारा स्वाध्याय क्या है। तो स्वाध्याय में यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न पूछ रहा है कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बीच अंतर प्रतिबिंब के स्वरूप और आकार के आधार पर लिखिए। तो आकार के आधार पर हम जो है इसका आंसर जब लिखेंगे, तो छोटा सा आंसर है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कि प्रतिबिंब का स्वरूप तथा आकार, समतल दर्पण प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा तथा वस्तु के आकार के बराबर बनाता है, जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। ये जो समतल दर्पण का प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु के आकार के बराबर होता है। जैसे हम अपना चेहरा समतल दर्पण में देखते हैं तो वो सीधा होता है, जितनी बड़ी हमारी साइज होती है उतना ही होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है देख लीजिए। अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के स्थान के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक, यहाँ पर देख लीजिए, वस्तु के स्थान के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक अथवा काल्पनिक, उल्टा तथा सीधा अथवा सीधा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर अथवा उससे बड़ा अथवा उससे छोटा होता है। मतलब कि जो अवतल दर्पण में होता है वो वस्तु किस स्थान पे है इस बात पे डिपेंड करता है कि वह कैसा बनेगा प्रतिबिंब। वो काल्पनिक भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है, उल्टा या सीधा भी हो सकता है, आकार वस्तु के आकार के बराबर या उससे बड़ा भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वस्तु कहाँ रखी गई है। उसके बाद जो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। उसके बाद इसी क्रम में जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ पर दिया है कि अवतल दर्पण के संदर्भ में प्रकाश, यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रकाश स्रोत की विभिन्न स्थितियाँ बताइए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। अब इसमें क्या क्या स्थितियाँ, जैसे टॉर्च, प्रोजेक्ट लैंप और फ्लड लाइट, इन स्थितियों को प्रकाश स्रोत की क्या क्या है, तो इसका आंसर देख लीजिए। जैसे टॉर्च वाला आंसर आप पहला वाला पॉइंट है टॉर्च, तो उसमें टॉर्च में प्रकाश स्रोत को अवतल दर्पण की नाभि पर रखकर प्रकाश की समांतर किरण वाली ज्योति या किरण या ज्योति प्राप्त की जाती है। दूसरा है प्रक्षेपक दीप, जिसे प्रोजेक्टर लैंप भी बोलते हैं, में प्रकाश स्रोत का अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखकर प्रकाश प्राप्त करते हैं। तीसरा है जो जिसे फ्लड लाइट बोलते हैं, जिसे हिंदी में पूर्व प्रदीपक बोलते हैं, में प्रकाश स्रोत को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से थोड़ा परे रखा जाता है, ऐसा करने पर प्रकाश की प्रखर ज्योति प्राप्त होती है।
तो इसका आंसर हो गया सौर उपकरण में अवतल दर्पणों का उपयोग क्यों किया जाता है। यहाँ पर देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, सौर उपकरणों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट भी अगर ले सकते हैं, अगर मैं ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ। देखिए सूर्य जैसे प्रकाश स्रोत जो अवतल दर्पण से बहुत दूर होते हैं, उनसे आने वाली प्रकाश की आपाती किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। इन आपाती किरणों का उसमें विकिरण अवतल दर्पण से परावर्तित होकर दर्पण की मुख्य नाभि पर अभिसरित होता है। दूसरा पॉइंट है, इस अभिसरण के कारण उस स्थान पर उच्च परिमाण में ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए सौर उपकरण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद तीसरा है कि वाहनों के बाहर की ओर लगाया गया दर्पण उत्तल दर्पण क्यों होता है। तो यहाँ पर देखिए ये यही प्रश्न है, वाहनों के बाहर की ओर लगाया गया उत्तल दर्पण क्योंकि उत्तल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा बनता है। मोटर चालक को अपने पीछे से आने वाले वाहनों को सीधा तथा स्पष्ट रूप से देखना आवश्यक होता है, इसलिए वाहनों के दाईं बाईं ओर उत्तल दर्पण लगे होते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है, अवतल दर्पण की सहायता से कागज पर सूर्य का प्रतिबिंब प्राप्त करने के समय उपरांत कागज क्यों जलता है। तो यहाँ पर देखिए कि सूर्य पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर होने के कारण सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाली किरणें परस्पर समांतर होती हैं। सूर्य प्रकाश में ऊष्मा की किरण भी होती है, मतलब ऊष्मा विकिरण भी होता है, उसमें गर्मी होती है, ताप होता है। आपने महसूस किया होगा कि सूर्य से हमें प्रकाश और ऊष्मा दोनों प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे ऊष्मा की विकिरण होती है, अवतल दर्पण की सहायता से कागज पर सूर्य का प्रतिबिंब प्राप्त करने पर कागज पर अवतल दर्पण की नाभि पर ये किरण एकत्रित होती हैं, उसके परिणाम स्वरूप कुछ समय उपरांत क्या होता है, कागज जलता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या दिया है कि गोलीय दर्पण टूटने के बाद मिलने वाला प्रत्येक टुकड़ा कौन से प्रकार का दर्पण होता है। लास्ट वाला है पहले प्रश्न का, कि जब भी गोलीय दर्पण टूट जाता है तो जो उसके टुकड़े हमें प्राप्त होते हैं वो कौन सा होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर है, देख लीजिए ये वाला गोली दर्पण के टूटने के बाद प्रत्येक टुकड़ा मूल दर्पण के प्रकार का ही होता है, या अवतल या उत्तल होता है, क्योंकि परावर्तक पृष्ठभाग तथा वक्रता त्रिज्या में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब कि जिस प्रकार का गोली दर्पण जिससे बना है, अवतल से बना है या उत्तल, जो उसका मूल रहता है उसी का प्राप्त होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आंसर कर लेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न दिया है कि गोली दर्पण द्वारा होने वाला परावर्तन, यहाँ पर देखिए गोली दर्पण होने वाले परावर्तन के लिए कौन सी चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वही प्रश्न है कि अथवा उचित आकृति का उपयोग करके गोली दर्पण के कारण होने वाले परावर्तन के लिए चिन्ह संकेत लिखो। तो देखिए यहाँ पे गोली दर्पण द्वारा होने वाले प्रकाश के परावर्तन के लिए चिन्ह क्या है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के ध्रुव पी को मूल बिंदु कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम बना है, ये जो पी होता है ये इसको मूल बाद में मैं बताती हूँ, पहले ये देख लीजिए। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति या फ्रेम ऑफ रिफ्लेक्शन एक्स बोलते हैं, और लिया जाता है चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार वस्तु को हमेशा दर्पण के बाई ओर रखा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियाँ दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। मूल बिंदु से दाईं ओर नापी गई सभी दूरियाँ धनात्मक तथा बाईं ओर नापी गई सभी दूरियाँ ऋणात्मक मानी जाती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी गई दूरियां ऊर्ध्व दूरी धनात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी गई दूरियां अधो दूरी ऋणात्मक होती हैं। अवतल दर्पण का नाभ्यांतर ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण का नाभ्यांतर धनात्मक होता है। तो ये गोली दर्पण का है, जिसे देखिए यहाँ मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष ये जो अधो दूरी होती है ऋणात्मक होती है, ऊर्ध्व दूरी धनात्मक होती है, ध्रुव से ये बाईं ओर की दूरी धनात्मक है, ध्रुव से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक है, दाईं ओर की दूरी धनात्मक है। ये आपतित किरण है या अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष दिया हुआ है, और यहाँ पर M1 M2 ये इस तरीके से इसका नाम देकर ये डायग्राम बनाया है। ये चिन्ह पर पाटी जो दिया हुआ है वो है। तो ये लिखने के बाद ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बना लेंगे, समझना बहुत ज़रूरी है आपको। उसके बाद क्या दिया है कि अवतल दर्पण द्वारा मिलने वाले प्रतिबिंबों की सारणी के आधार पर उनकी कृतियाँ बनाइए। यहाँ पर ये तीसरा वाला प्रश्न आप देख रहे हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए क्या है, आगे देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देख लीजिए कि जब वस्तु अनंत दूरी पर हो, जब वस्तु अनंत दूरी तथा वक्रता केंद्र के मध्य हो, जब वस्तु केंद्र पर हो और जब वस्तु केंद्र तथा मुख्य नाभि पर हो, जब वस्तु मुख्य नाभि या फोकस पर हो या वस्तु तथा मुख्य नाभि के मध्य हो, तो कैसी आकृति बनेगी। तो यहाँ पर देखिए जब वस्तु अनंत दूरी पर होगी तो यहाँ पर इस तरीके से का होगा कि यहाँ पर जो है प्रकाश का परावर्तन होगा। ये जो F होता है ये क्या होता है, फोकस दूरी होती है। ये C वक्रता केंद्र होता है। ये जो है आपतित किरण है, ये जो है अवतल दर्पण है। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब अवतल दर्पण की मुख्य नाभि पर बनता है। यह वास्तविक उल्टा और आकार में वस्तु से बहुत छोटा होता है। देखिए यहाँ पर कहाँ पर बनता है, आकार में मुख्य नाभि पर बनेगा, मुख्य अक्ष पर, और ये आकार बहुत छोटा होता है। उसके बाद जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर उसका भी डायग्राम देख लीजिए। जैसे ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब ये देखिए बना है। तो यहाँ पर क्या है, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो यहाँ पर क्या है, देखिए वस्तु जब अनंत पर रहेगा तो इस तरीके से यहाँ पर इस डायग्राम स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेंगे। इसके बाद क्या होगा, इस स्थिति में प्रतिबिंब मुख्य नाभि तथा वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से छोटा होता है। ये देखिए ये प्रतिबिंब बना है, ये मुख्य नाभि पर वस्तु से छोटा, उल्टा और क्या बना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना हुआ है। तो ये जब अनंत पे रहेगा तो ये इस तरीके से ये वाला पॉइंट आप यहाँ पर लिख लेंगे, वक्रता केंद्र और नाभि तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। उसके बाद जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, मतलब जब वस्तु सी, ये जो सी होता है इसी पर हो, तो क्या होगा, तो जब इस स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, मतलब ये प्रतिबिंब भी यहीं बनेगा जहाँ पर रहेगा, और वह वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु के बराबर होता है। देखिए ये वस्तु है और इसका उल्टा वाला साइन जो तीर है ये नीचे, इसका प्रतिबिंब है, ये क्या बनता है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर ही बनता है। उसके बाद चौथा है, जब अवतल दर्पण पर क्या होता है, वस्तु कहाँ पर है, केंद्र तथा मुख्य नाभि के मध्य में हो। ये केंद्र और मुख्य नाभि पे यहाँ पर जब कोई वस्तु रहेगी, केंद्र और मुख्य नाभि के जब बीच में है, देखिए तो क्या बनेगा प्रतिबिंब, इस स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे, मतलब इससे बहुत दूर, वह वास्तविक उल्टा और आकार में बहुत बड़ा बनता है। देखिए ये उल्टा है, वास्तविक है और इससे की तुलना में इसका आकार बहुत बड़ा है। तो ये आप ऐसे डायग्राम बनाकर इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है, वस्तु मुख्य नाभि पर हो, जब फोकस पर हो, मतलब जब कोई वस्तु यहाँ पर हो तो क्या होगा, तो इसका डायग्राम आप देख लीजिए इस तरीके से होगा, और इस स्थिति में प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनेगा। देखिए यहाँ पर ऐसे चला जा रहा है, आगे कहीं पर वस्तु बनता हुआ दिख नहीं रहा है, मतलब डायग्राम नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब अनंत दूरी पर बनेगा, यह वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत ही बड़ा होता है। तो इस तरीके से ये जब वस्तु नाभि पर होगा, फोकस पर होगा, तो ऐसा बनेगा। उसके बाद अगला पॉइंट है, लास्ट वाला, वस्तु जब ध्रुव तथा नाभि के मध्य हो, कहाँ हो, जब ये वस्तु है कहाँ, ध्रुव और नाभि के मध्य में हो, ये ध्रुव है और ये यफ नाभि है, इसके बीच में ये ए बी वस्तु जब रखी जाएगी तो अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, मतलब इस पार बनेगा। यहाँ पर देखिए दर्पण के पीछे इस पार बना हुआ है, और प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा तथा वस्तु के आकार से बड़ा होगा। सीधा रहेगा, काल्पनिक, डॉट लाइन मतलब क्या, काल्पनिक रहेगा और वस्तु से आकार में बहुत बड़ा होता है। देखिए यहाँ पर दिया है कि काल्पनिक दर्पण को खंडित या डॉटेड लाइन द्वारा दिखाया जाता है। तो इस तरीके से हम इसका जो डायग्राम स्क्रीनशॉट आप लेकर इसका डायग्राम बना सकते हैं। वीडियो को पूरा देखते रहिए। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है कि नीचे दिए गए उपकरणों में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, जैसे पेरिस्कोप, फ्लडलाइट, दाढ़ी बनाने का दर्पण, बहुरूपक दर्शक जिसे कैलिडोस्कोप और कैलिडोस्कोप, रास्ते के बल्ब और मोटर गाड़ी के बल्ब, इन सब चीज़ों में कौन से प्रकार के दर्पण होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका भी आंसर छोटा सा है, क्या हो जाएगा आंसर कि पेरिडिकोस्कोप, फ्लड लाइट और पेरिडिकोस्कोप में समतल दर्पण, फ्लड लाइट तथा दाढ़ी बनाने वाला दर्पण जो होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है, बहुमूर्ति दर्शी यानी जिसे कैलिडोस्कोप बोलते हैं इसमें समतल दर्पण का उपयोग होता है, रास्ते के बल्ब में उत्तल दर्पण, मोटर गाड़ी के बल्ब में अवतल दर्पण, पेरिस्कोप में अभी आपने देखा समतल दर्पण, फ्लड में फ्लड लाइट्स तथा दाढ़ी बनाने के दर्पण में अवतल दर्पण और कैलिडोस्कोप में समतल दर्पण। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके इसका भी आंसर आप कर सकते हैं, बहुत ही छोटा इसका आंसर है। आगे क्या दिया हुआ है प्रश्न कि उदाहरण जो है हमें सॉल्व करना है, पांचवा प्रश्न आ जाएगा। इसमें दिया है कि 15 सेंटीमीटर नाभ्यांतर वाले अवतल दर्पण के सामने 7 सेमी ऊँची तथा 15 सेमी दूरी पर रखी गई है,
दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखने पर हमें उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होगा, प्रतिबिंब का स्वरूप और आकार स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। छोटा सा सवाल है, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगता है वो सब मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या क्या दिया है। मान लीजिए कि अवतल दर्पण जो दिया हुआ है प्रश्न में, अवतल दर्पण इसमें क्या है, अवतल दर्पण H1 हमने मान लिया जिसकी ऊंचाई कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर जो है दिया है। जो क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। यहाँ पर देखिए आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपके बुक में यहाँ पे 15 सेंटीमीटर यहाँ भी लिखा है और 15 सेंटीमीटर यहाँ भी लिखा है तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये मिसप्रिंट है। अगर हम 15 सेंटीमीटर करके लगाएंगे तो हमारा उत्तर जो है यहाँ पर ये जो दिया है 37.5 और 10.5 ये सेम नहीं आएगा, अलग आएगा। तो मैं यहाँ पे 25 सेंटीमीटर करके आपको सॉल्व करती हूँ। जो है सेमी, जो वस्तु की ऊंचाई है वो क्या होती है, 7 सेंटीमीटर हो गई अवतल दर्पण की, 15 सेंटीमीटर नाभ्यांतर जो होता है वो क्या दिया है, यू का मान -25 दिया हुआ है, सवाल में मिसप्रिंट हुआ है। और F का मान जो है नाभ्यांतर 15 सेंटीमीटर नाभ्यांतर, मतलब F जो हो जाएगा वो -15 सेंटीमीटर होता है। ये माइनस इसलिए लगाते हैं कि अवतल दर्पण में माइनस का प्रयोग करते हैं। तो हमें पूछ क्या रहा है, हमें जो है म्यू का मान पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है कि सुस्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा और प्रतिबिंब का स्वरूप और आकार भी हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए हमें न्यू का मान ज्ञात करना है और H2 मतलब कहाँ प्राप्त होगा, दूसरी ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर होगी वो हमें प्राप्त करना है। तो हमें पता है कि पहला वाला जो सवाल है उसे पूछ लेते हैं कि प्रतिबिंब पर्दे पर बनने के लिए वास्तविक प्रतिबिंब आवश्यक है। तो इसका सूत्र है, दर्पण सूत्र क्या होता है, हम पहले दर्पण सूत्र के आधार पर सवाल लगाएंगे। दर्पण सूत्र होता है, यहाँ पर लिख लेंगे दर्पण सूत्र बराबर 1/V, यहाँ पे V ये जो है ये V का मान ज्ञात करना है हमें, स्मॉल V, प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F ये होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमें V का मान ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 1/V इज इक्वल टू 1/F माइनस, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि V बराबर किधर आ जाएगा, तो 1/U। तो यहाँ पे 1/F का मान कितना दिया, -15, और 1/U का मान -25 दिया हुआ है। तो हम लिख लेंगे इसको इस तरीके से, तो 1/V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/-15 फिर -1/-25, ये माइनस दोनों माइनस माइनस मिलकर क्या कर देंगे। पहले देखिए हम इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/15 - 1/25 हो जाएगा। तो हम इसको घटा देते हैं तो क्या होगा, 15 और 25 का जब हम लघुत्तम समापवर्त लेंगे तो क्या होगा, 75 हो जाएगा, 75। और यहाँ पर 15 - 75 - 3 - 25 - 15 - 25 - 75 5 हो जाएगा, -25 - 75 3 + 1 = 3 हो जाएगा। तो 5 में से 3 गया कितना बचेगा, 5 में से जब 3 जाएगा तो यहाँ पर लिख लेंगे 2/75। यहाँ पे माइनस की साइन है तो यहाँ भी माइनस की साइन रहेगी, -2/75 होगा। तो 2 में जब हम 75 का भाग देंगे तो 37.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए ये 25/75 है तो हम क्या करेंगे, वी 1/ यहाँ पर देखिए 1/V का मान दिया है, तो हम जब वी इज इक्वल टू करेंगे तो ये 75 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा। 1/V को V/1 जब करेंगे तब तो नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा, ये माइनस तो रहेगा ही, तो वही यहाँ पर भाग देंगे तो 37.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि हमें V का मान प्राप्त हो गया। एक का आंसर हो गया। दूसरा हमें H1 और H2 ज्ञात करना है, तो दूसरा वाला सूत्र हम लगाएंगे। क्या होता है दूसरा वाला सूत्र, H1 और H2 वाला हमें पता है सूत्र, क्या होता है, H2/H1 इज इक्वल टू -V/U होता है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, H2 का मान ज्ञात करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं H2 बराबर -H1 × V/U। ठीक है, तो H1 - H1 का मान कितना दिया है सवाल में, 7 सेंटीमीटर, और V का मान अभी हमने कितना ज्ञात किया है, V × -37.5 सेंटीमीटर / U का मान कितना दिया, 25 दिया हुआ है, जो सवाल में दिया हुआ वो सम्मान रख लेंगे।
देखिए ऐसे यहाँ पे H1 का मान 7 हो गया, V का मान 37.5 और U का मान -25 हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 का जब हम 37 में ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, ऋण 7 गुड़े जब 25 का 37 में हम भाग देंगे तो 1.5 आएगा। ठीक है, तो हम 1.5 का जब ऋण 7 में गुणा करेंगे तो ऋण 10.5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया। तो हमारा जो पहला पॉइंट उत्तर आया, जो पर्दा दर्पण से कहाँ होना चाहिए, पर्दा पर प्रश्न में जो पूछा है पर्दा दर्पण से कितना दूर होना चाहिए, 37.5 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, दूर होना चाहिए। ठीक है, पहला आंसर आ जाएगा। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार यानी ऊंचाई, दूसरा जो हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर कितनी होनी चाहिए, -10.5 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये दोनों आंसर हो गया आपका, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इसी में दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं कि 18 सेंटीमीटर आ वाला जो दिया है, 18 सेमी नाभ्यांतर वाले उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई से आधी ऊंचाई प्राप्त होता है तो वह वस्तु उत्तल दर्पण में कितनी दूरी पर रखी होगी। यहाँ पे भी एच का मान ज्ञात करना है तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का जो आ वाला प्रश्न है इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। पहले इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दे ताकि आपको पूरा दिखे, प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर इसमें प्रश्नानुसार उत्तल दर्पण F जो होता है बराबर 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, H2 बराबर H1/2, मतलब आधा दिया है ना, आधी प्राप्त होती है ऊंचाई की, आधी प्राप्त होती है तो H2 बराबर कितना दिया है, पहली ऊंचाई की जो आधी है तो ये पहली ऊंचाई जो भी है उसका आधा हो गया। और U का मान कितना दिया है पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर रखी गई वस्तु उत्तल दर्पण से कितनी दूरी पर रखी गई है। तो हमें पता है m बराबर क्या होता है, H2/H1 सूत्र है, बराबर क्या होगा जो कि -V/U के बराबर होता है। इसलिए क्या होता है m बराबर H2/H1 तो 1/2 बराबर ऋण V/U हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें V का मान जब ज्ञात करना होगा तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे इसका गुण तिरिय का गुणा करेंगे तो -U/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें फोकस दर्पण सूत्र पता है 1/V+1/U = 1/F, हमें ये दर्पण सूत्र पता है तो इसलिए क्या हो जाएगा, हम जहाँ पे V रहेगा वहाँ पर क्या लिखेंगे -U/2, तो 1/V की जगह पर क्या लिखेंगे -U/2। ठीक है, +1/U = 1/F। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/U -1/2। ठीक है, बराबर F हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा F का मान 1/V और 1/U बराबर 1/F, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं इसलिए U = -F = -18 सेंटीमीटर, मतलब जो F का मान +18 सेंटीमीटर था वो U का मान जब होगा तो -18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु दर्पण के सामने मतलब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने दर्पण से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। तो आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, देखिए ये इसका आंसर यहाँ पर देखिए क्या है कि 10 सेंटीमीटर लंबी लकड़ी 10 सेमी नाभ्यांतर वाली अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हो तो अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, साथ ही साथ ये भी 5वें प्रश्न का आखिरी ई वाला क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार जो दिया है वो लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या दिया है, क्या दिया, 10 सेंटीमीटर लंबी लकड़ी, लंबी मतलब इसकी ऊंचाई हो गई, तो अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण की बात हो रही है यहाँ पर, अवतल दर्पण H1 बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद F का मान -10 सेमी नाभ्यांतर, मतलब F का मान -10 सेंटीमीटर होगा, U का मान कितनी दूरी पर है, ध्रुव से 20 सेमी दूरी पर, तो U = -20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और H2 का मान
एच टू का मान पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमें पता है दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र आपको पता है कि वन अपॉन वी प्लस सॉरी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ होता है। तो यहाँ पर इसलिए क्या लिखेंगे, वन अपॉन वी, वी का मान हम पहले ज्ञात करेंगे, तो बराबर एक बटा एफ माइनस एक बटा यू लिख लेंगे। ठीक है, तो जो जो मान दिया है उसको पहले लिखने से पहले हम इसका तिर्यक का जब हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा वो लिख लेते हैं। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, यू अपॉन वी, देखिए यू अपॉन वी इज इक्वल टू यू अपॉन एफ माइनस वन, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा, u अपॉन वी, यहाँ पे u का मान कितना दिया माइनस 20, एफ का मान बटे माइनस 10 सेंटीमीटर और सबके माइनस 1 है। इस ये वाला जो फॉर्मूला हमें निकल कर आया इस पर हम सब मान रख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर ये माइनस माइनस से कट गया, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो कितना होगा 2 माइनस 1, दो में से एक है, तो u अपॉन वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, इसका मान कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी मैंने जो सॉल्व किया वो इसका मान कितना आया 1 सेंटीमीटर। तो हमें पता है दूसरा सूत्र m इज इक्वल टू क्या होता है, m बराबर एच टू अपॉन एच वन बराबर माइनस क्या होता है माइनस v बटे u। तो यहाँ पे हम एच टू का मान ज्ञात करना है, तो एच टू बराबर क्या हो जाएगा माइनस v बटे u गुड़े एच वन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि वी बटे यू का मान कितना आया 1 आया है, तो यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि सूत्र में माइनस दिया हुआ है, माइनस 1 गुड़े एच वन का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो गुड़े 10, तो 10 में जब इसका गुणा करेंगे ऋण 1 का तो माइनस 10 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हम यही लिख सकते हैं कि वस्तु माइनस 10 सेंटीमीटर ऋणात्मक वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दर्शाता है, ये जो आंसर होगा इसमें लिख लेंगे कि ऋणात्मक चिन्ह वस्तु का ये उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा क्योंकि जब कोई भी चीज़ ऋण में रहे तो ये उल्टा प्रतिबिंब होता है प्राप्त होगा। तो इसका आंसर ऋण में आया है तो इसका मतलब ये वस्तु उल्टी प्रतिबिंब होगी। तो इस तरीके से हमने पूरा ये चैप्टर का पूरा जो है स्वाध्याय सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर आप पहला प्रश्न इसका सोल्यूशन और दूसरा प्रश्न इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।